हे गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। अभी हम बात करने वाले हैं एनिमल मूवी के बारे में। हालांकि हम मूवी देखने में थोड़े लेट हो गए हैं, बट जो हमें एक्चुअल फील हुआ है ना मूवी को देखने के बाद, वो एक्चुअल शेयर करना। मतलब क्या फील हुआ भाई मूवी को देखने के बाद? क्या साथ की जो एक्ट्रेस है उनके लिए मतलब क्या है, क्या मैसेज देके जाती है मूवी यार? देखो यार, मूवी चली तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पैसा भी कमाया है, और मूवी से जो एक्सपेक्ट किए गए थे वो भी मूवी नहीं दिए। एनिमल मूवी बहुत दिनों से आ रही थी और काफ़ी जब तक चली भी है, बहुत अच्छा पैसा भी कमाया है, लेकिन ये है कि हम जो उम्मीद रखते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, आजकल की मूवी में यार वो घुसाते जा रहे हैं लोग। क्या रश्मि का मंदान के बारे में क्या बोलोगे? मैं उसी की बात पे आने वाला हूँ। क्या हम सोच सकते हैं जो साउथ की एक्ट्रेस को लेकर के हमारी नज़रों में जो इज्जत होती है, क्या वो ये रह गई है? जो एनिमल मूवी दिखाई गया, क्या वो यही रह गई है? क्या दिखाया गया एनिमल मूवी, आप बताओ, आपने देखी? टोटली लड़कियों को ह्यूमिलेट करते हैं तरीके से, लड़कियों को मारते हैं। मतलब मुझे वो शब्द बोलने में शर्मा रहे हैं, लोग वीडियो देखेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा उन बातों को भी, हालांकि बट फिर भी बहुत ज़्यादा वो लड़की उसमें उसके पैर चाटती है। बताओ यार, एक वो लड़की जोया नाम की लड़की होती है, नाम की आती है। उसके संग मतलब चीट नहीं देता, चाटने नहीं देता, रोक मतलब करता तो वही है, करता तो वही है, लेकिन जो रश्मि का वो मतलब कितना ह्यूमिलेट करता पीछे से, मतलब पता ही होगा आपको जो बोलना चाह रहा हूँ। ये जो मतलब जो मेन बात ये है यार, देखो हम चलो जोया को हम नहीं जानते, जोया को हम नहीं जानते, कोई बात नहीं, उन्होंने कपड़े उतारे, ठीक है ठीक है, लेकिन ठीक है चलो। लेकिन जो रक्षमा मंदाना जो हैं उनसे मतलब ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी इस तरह से कपड़े उतारेंगे, अपने शॉर्ट्स में आएंगी मूवियों के अंदर। जो एक इज्जत है हमारी साउथ के एक्टर को लेकर के वो नहीं। रणबीर कपूर ने यार कपड़े उतार के रख दिए यार, टोटली पूरा एकदम पूरा कपड़े दिखाया गया बिल्कुल यार, ये पैसे के लिए कुछ भी कर दे, मतलब मूवी नहीं चलती अगर हम इस सीन को नहीं करते तो। वही तो बता रहा हूं, मूवी तो फिर भी चलती ना हमारी है। ये जो सीन दिखाया गया था लेटा हुआ लड़की के ऊपर, और यहाँ तक आपको मतलब हिप तक उसके दिखाए गए हैं, टोटली नंगा दिखाया गया, अगर वो इस सीन को नहीं करते तो मूवी नहीं चलती। चलती कौन चलती यार, हाँ कपड़े पहन के भी आप मतलब ये सीन कर सकते थे भाई। मूवी के अंदर फैमिलियाँ भी आती हैं यार, या तो फिर अपनी मूवी का नाम रख दो सेक्सी पिक्चर, तो लोग ना लेके आए फैमिली क्यों? यहाँ मुझे कुछ लेडीज़ें मिली थी, बोल रही थी कि ये मूवी मत देखो, मतलब अपनी फैमिली साथ मत देखो मूवी को, हमें शर्म आती है बॉलीवुड की मूवी देखने में। कई लेडीज़ आई थी, दो तीन लेडीज़ मैंने उसका इंटरव्यू लिया था। ये मतलब हो ही रहा है ना, हो रहा है ये। आप मूवी देख लो यार, मैं बात करता हूँ आज की डेट में जवान, क्या मूवी गई थी, अच्छी मूवी, कुछ भी ऐसा थी। ये होती हैं जो मतलब फैमिली मूवी होती हैं, ठीक है, इनको हम फैमिली के साथ देख सकते हैं भाई। लोगों को नहीं पता कि ये मैं फैमिली मूवी है या फैमिली मूवी नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरी फैमिली को मैं मूवी दिखाने के लिए ले आना वाना हूँ और पहले मैं मूवी देख के जाऊँ कि मूवी अच्छी है, फिर मैं फैमिली को लेके आऊँ, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। पता तो तभी चलेगा ना जब हम अंदर आएंगे भाई। टोटली जो मूवी के अंदर दिखाया गया वो सेक्स पार्ट बहुत दिखाए गए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा दिखा दिया भाई, बहुत ज़्यादा दिखा, लिमिट क्रॉस कर रखी टोटली, लिमिट क्रॉस कर रखी है। बाकी हाँ, एक्शन बहुत अच्छा है, बॉबी देओल का जो कमबैक जो हुआ है मूवी के अंदर वो बहुत अच्छा है। सिर्फ कैसे लगे वैसे? अरे यार मतलब बात की लगे, 10 से 15 मिनट का रोल होगा मुश्किल से, और उसी में मतलब आतंक बता दिया। वो जो एक ट्यून वायरल हुई है आपने देखी होगी, जो दारू का गिलास जो, और वो मिलियनों में यार रील बनी है उस पर, लोग इतनी रील बना रहे हैं उस पर, बहुत अभी भी चल रही है बहुत ज़्यादा, मैंने खुद बनाए रखी है, बहुत अच्छा। मतलब बॉबी देओल की बात करूँ तो बहुत अच्छा कमबैक किया, बहुत बढ़िया। और हाँ, रणबीर कपूर का जो इसके अंदर सबसे अच्छा जो रोल लगा है वो उस समय का, जब वो बचपन से जैसे ही बड़ा होता ना, जब वो बुलेट गाड़ी पे लेकर जाता, कौन सी गाड़ी होती है उस जगह पे एक ट्यूनिंग चलती है, और वो जो चुटिया जो पीछे रखी गई है उस जगह पे भाई बहुत अच्छा लगा रणबीर कपूर, बहुत ही जबरदस्त चॉकलेटी बॉय एकदम, हाँ बिल्कुल। एंड में जो मतलब अवतार लेता है ना एकदम, मतलब विलन का, विलन वाला भाई सब, वो बड़ा रणबीर कपूर ना उसके बाद वाइब हो गया, रणबीर कपूर जो करियर होता है ना। नहीं, रणबीर कपूर ने भी दे दी। देखो पिछले साल जो मूवी आई थी ब्रह्मास्त्र, उसको आप देखो यार, वो बात बन नहीं पाई उसमें यार, नहीं लेकिन फिर भी मूवी ने बहुत अच्छा पैसा कमाया। वो मतलब जो बोलते हैं ना सक्सेस पार्टी, जो वो हुई मूवी सक्सेस हुई, बहुत अच्छी हुई। और इसके बाद ये मूवी जो अपनी एनिमल चल रही है ये भी बहुत अच्छी गई है भाई, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा पैसा भी और भी कमाएगी, क्योंकि लेकिन हाँ इसका लास्ट दिन आने वाला है, लास्ट है मतलब कल, आजकल की मूवी यार टंकी आ रही है, इसको समय नहीं मिल पाया ज्यादा, टाइम मिला भाई 20 दिन चल रही है, 20 दिन चल गई यार, बहुत अच्छा दिन चल गई, लेकिन ठीक है भाई, जो कमाना होता है उसने वो कमा लिया, बढ़िया कमा लिया, बहुत अच्छा किया। मूवी सही है आपके हिसाब से? मूवी ठीक थी, एक्शन था, जो लोग सोचने के लिए जाते हैं, मैंने खूब तालियां बजाई, सीटी भी बजाई, लेकिन हाँ थोड़ा सा बस बात ये है कि ये जो थोड़ा सा जो गंद फैला देता है ना वो नहीं होनी चाहिए मूवी के अंदर। अगर मैं गलती से अपनी फैमिली के साथ आ जाता तो वो मतलब
घर वाले बोलते कि कैसी मूवी दिखाने के लिए लेके आए, सोसाइटी में क्या ही मैसेज जा रहा है इससे यार। बिल्कुल सोसाइटी में मैसेज तो गंदा ही जा रहा है। और जो साउथ की एक्ट्रेस हैं, जो साउथ की एक्ट्रेस हैं, उनको ये सब नहीं करना चाहिए। हमारा बॉलीवुड तो बिगड़ा ही हुआ है यार, उनको तो शर्म आती नहीं है, लेकिन जो साउथ की जो इज्जत बनी हुई है ना, वो बिगड़ना स्टार्ट हो गई है, वो बिगड़ना यहाँ से स्टार्ट हो गई है।